गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। माई नेम इज संध्या। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पहले से आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इन टूडेज वीडियो, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्प गुडनेस के उपटन पाउडर के बारे में। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा, और यूज़ नहीं किया होगा तो वीडियोज़ में ज़रूर देखा होगा। और ये बहुत ही अच्छे वाला प्रोडक्ट है। सो आज मैं आप लोगों के साथ इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी है। एकदम क्यूट सी पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। आपको ये देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये कागज़ का है, बट ये कागज़ का नहीं है, ये पन्नी टाइप का ही है। जैसे पन्नी होती है ना पॉलिथीन, ये उस टाइप का ही है। और इसकी पैकेजिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ इसकी पैकेजिंग पे ही लिखा हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट लिखे हैं, इसका यूजेस लिखा है, इसकी सेल्फ लाइफ लिखी है, और इसके प्राइस लिखे हैं। सब कुछ आपको पैकेजिंग के ऊपर ही मिल जाएगा। सो मैं आपको बता देती हूँ, इसका नेट वेट है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम्स, और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 साल। इसकी सेल्फ लाइफ 3 साल है। आप 3 साल तक इसको रख सकते हैं, यूज़ करिए और उसके बाद में यूज़ कीजिए, ये ख़राब नहीं होगा 3 साल तक। सो बहुत अच्छी चीज़ है कि 3 साल तक ख़राब नहीं होगा, तो आप इसको अच्छे से रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब आपका मन हो। ऐसा नहीं है कि हमने इसको आज खोला है तो हमें 1 महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको 3 साल तक रख सकते हैं और जब आपका मन करे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये इस तरह से आपको अवेलेबल होगा। डबल पैकेजिंग में है ये इस तरह से आपको उपटन मिलेगा। आगे मैं आपको उसको अपने फेस पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। ये 50 ग्राम है और बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ अपने फेस पे यूज़ करना है तो ये काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो फेस पे नहीं लगेगा। मैक्सिमम 2 टेबल स्पून आप अपने फेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उसका एक डेमो दे के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने फेस के अकॉर्डिंग उपटन पाउडर ले लेना है। मैं यहाँ पर अपने फेस के अकॉर्डिंग 3 टेबल स्पून उपटन पाउडर मैंने लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी डाबर गुलाब जल। अगर आपके पास गुलाब जल अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पानी भी मिला सकते हैं, बट मेरे पास यहाँ पे गुलाब जल अवेलेबल था सो इसलिए मैंने इसमें गुलाब जल मिला दिया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिस तरह का पेस्ट आपको चाहिए, ना तो ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। इसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मैं इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ये रात का टाइम है, मैं कुछ भी फेस पैक होता है या इस तरह से कोई फेस मास्क होता है तो मैं उसको हमेशा रात को ही अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। अब मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। सो फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब आपको इसको रब करके अपने प्योरे फेस पे से हटा देना है। रब करने से आपकी स्किन से डेड स्किन निकल जाएगी और जो आपके फेस पे छोटे छोटे फेशियल हेयर हैं वो भी निकल जाएंगे। उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और रिजल्ट आपके सामने है। सो या फ्रेंड्स, मैंने अल्प गुडनेस के उपटन पाउडर का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है और आप लोगों ने डेमो भी देख लिया है। सो गाइज, मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को 10/10 है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, थम्स अप है मेरी तरफ से। बहुत मस्त वाला प्रोडक्ट है, एक बार यूज़ ज़रूर कीजिए और यूज़ करने के बाद मेरे को अपना रिव्यू जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये पसंद आया है या नहीं। सो वेल फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। सो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।